दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके पत्तों को बांटने का प्रचलन है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी शमी के वृक्ष की पूजा की थी? कहते हैं कि शमी के वृक्ष की पूजा विजय को सुनिश्चित करता है, फिर विजय चाहे युद्ध में हो या द्युत जैसी किसी भी क्रीड़ा में। बताया जाता है कि कौरवों की द्युत में जीत के पीछे सबसे मुख्य कारण शमी ही था। अर्जुन ने अज्ञातवास में अपने अस्त्र गांडीव को पूरे साल शमी के वृक्ष पर ही रखा था, जिससे गांडीव महाभारत में मारक हथियार के रूप में शत्रुओं में खौफ का सबब बन गया था। इसी तरह कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने भी शमी के वृक्ष की पूजा की थी और उसी के विजय मुहूर्त में लंका पर आक्रमण किया था। और यही वजह है कि जब लोग रावण दहन करके आते हैं तो एक दूसरे को शमी के पत्ते बांटते हैं। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था और तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। भगवान श्री राम ने भी युद्ध में विजय होने के बाद अयोध्या वासियों को स्वर्ण दान में दिया था। इसी के प्रतीक के रूप में ये परंपरा अब भी चली आ रही है और शमी के पत्तों को बांटा जाता है। कहते हैं विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने से घर में तंत्र मंत्र का असर भी खत्म हो जाता है और किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती और हर क्षेत्र में आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है।